SSC CGHSL परीक्षा 2020 17 मार्च को पूछा गया क्वेश्चन प्रीवियस, उसको आज हम लेकर आए हैं, जो कि रेलवे में भी आ सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसा कैसा क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन दिया था पहला क्वेश्चन, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? तो सौरभ गांगुली। जल में घुलनशील विटामिन कौन, विटामिन का नाम बताएं। बी और सी घुलनशील है और बाकी घुलनशील नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है फ्लैगेला निम्नलिखित में से किसका एक लोकोमोटिव अंग है? प्रोटोजोआ का, प्रोटोजोआ को बैक्टीरिया भी कहते हैं। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में। किरला गुड ऑन कंट्री के लेखक कौन है? केरला गुड्स ऑन कंट्री के लेखक शशि थरूर हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन से शासक चोल वंश के हैं? राजेंद्र चोल, राजा राजा चोल। चंद्रगुप्त टू सेकेंड का वजन कितना है? चंद्रयान टू का वजन कितना है? 2379 किलोग्राम। ओजोन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। यही क्वेश्चन सब आया था आज 17 17 वाले डेट में। चलते हैं आगे देखते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक भी बढ़ाइए और शेयर कीजिए। सड़क मोटर व्हीकल एग्रीमेंट कब शुरू हुआ था? 2015 में। बंकापुर मयूर अभयारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक में। पहला राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ? 1930 कनाडा, कनाडा के हेमिंटन में। चलिए आगे देखते हैं। अटल भूजल योजना किससे संबंधित है? भूजल की मात्रा बढ़ाने के लिए। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? 1517 में। हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? 953। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मिस वर्ल्ड 2019 का विजेता कौन है? टोनी एन सिंह। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? पीटर हैंडके को। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। चलिए और देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या है? अटल सुरंग। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है, कौन सा देश स्तनपान सूचकांक 2019 में प्रथम स्थान पर रहा? श्रीलंका। लाइनेक्स क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? पाइथन क्या है?
हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन। चलिए आगे देखते हैं अगला। तो थोड़ा शेयर बढ़ाइए आप लोग, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। लद्दाख में कितने जिले हैं? दो। 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार अबी अहमद अली को दिया गया, वह किस देश के हैं? इथियोपिया के हैं। चलिए आगे देखते हैं। और ये एसएससी सीजीएल में 17 तारीख कोला में पूछा गया सब क्वेश्चन है, तो यह एनटीपीसी में भी आ सकता है, इसलिए इसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है बारहवा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? 12 से 17, उसके बाद तो बंद हो गया था। पंचवर्षीय समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच 1954 में। सुल्तान अजम शाह कप 2019 कहाँ हुआ है? मलेशिया में। चलिए अगला देखते हैं। अगला आया था पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। किस देश में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ऊँटों को मार दिया? ऑस्ट्रेलिया में। कर्मयोद्धा ग्रंथ किस व्यक्ति पर आधारित है? नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री पर। चलिए आगे देखते हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उड़ीसा में। महानदी पर तांबे की परमाणु संख्या कितनी है? 29। द ईरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1870 में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का। कुमाऊ हिमालयन किन दो नदियों के बीच स्थित है? सतलज और काली नदी के बीच। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड विधानसभा के स्पीकर कौन है? रविंद्रनाथ महतो। कर्णम मलेश्वरी को पद्मश्री कब मिला? 1999 में। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान क्या है? 6.67 × 10⁻¹⁰ m/kg·2। चलिए आगे देखते हैं। आगे आया था संपत्ति का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? 1968 में। 44वें संशोधन द्वारा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+P। चलिए आगे देखते हैं। आगे आया था दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हुबली कर्नाटक में। 6ठी अनुसूची में किस राज्य की बात कही गई है? असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। निब्बल क्या है? कंप्यूटर यूनिट। 1 निब्बल = 4 यूनिट होता है। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में कितनी मूल इकाइयां हैं? 7। ट्विटर के संस्थापक कौन है? जैक डोर्सी, नोहा ग्लास, इवान विलियम्स, बीज स्टोन। सचिन तेंदुलकर ने पहला शतक अपने किस एक दिवसीय मैच में लगाया था? 79वां मैच में लगाया था। चलिए यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। सिलिका किस मिट्टी में पाया जाता है? लेटराइट मिट्टी में।
यस बैंक के प्रबंध निदेशक सीईओ कौन है? रवनीत गिल। चलिए आगे देखते हैं, और लास्ट डे है। ईईजी जांच किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? मस्तिष्क के लिए। शरावती नदी पर कौन सा जल प्रपात है? जोग जल प्रपात कर्नाटक में स्थित है। और देखिए, अब इसमें तो इतना ही था, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आया था अठारह, 18 मार्च वाला। ये शिफ्ट वन का 18 मार्च वाला, ये भी देख ही लेते हैं। सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन किस देश में होता है? कजाकिस्तान में। जनवरी 2020 को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? माइकल पत्रा। प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत। चलिए आगे देखते हैं। आगे आया था आज वाला, 18 वाला में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ पर आयोजित किया गया? गुवाहाटी, असम में। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 में। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, 1867 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आया था डूरंड कप 2019 के विजेता कौन है? गोकुलम केरला। विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप 2020 विजेता कौन है? जू बेंजून। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2019 के विजेता कौन है? बेन स्ट्रॉक। चलिए आगे देखते हैं। ये आज 18 वाले में शिफ्ट वन का आया हुआ क्वेश्चन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल किसे मिला? अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में। 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? अमिताभ बच्चन को। समुद्र के जल स्तर चढ़ाव को क्या कहते हैं? ज्वार। चलिए आगे आगे देखते हैं। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में भारत की रैंक क्या थी? फोर्थ रैंक पर था। ब्लैक फीवर कालाजार रोग किसके कारण होता है? लिशमैनिया जाति के एक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। गुरु पर्व किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? गुरु नानक का प्रकाश उत्सव कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आया था किस अधिनियम द्वारा भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधा ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया? भारत सरकार अधिनियम 1858। कथकली ललित कला के कितने रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है? 5 रूपों का यह संयोजन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आया था कौन सी रेटिंग एजेंसी नहीं है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये कोई एजेंसी नहीं है। 1 GB में कितने MB होते हैं? 10-24 किलो वाइट को कहा जाता है सरकार। चलिए आगे देखते हैं, ये लास्ट है। सरकार ने किस योजना के तहत छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने का काम किया है? मुद्रा योजना के, PMM प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो यही क्वेश्चन आया था, और अच्छा लगे थोड़ा शेयर और लाइक बढ़ाइए, तब और अच्छा अच्छा वीडियो हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।